વાઘોડિયાના કેટલાક વિસ્તારોમાં કેટલીક યુવતીઓ હ્યુમન રાઇટ્સના ખોટા દસ્તાવેજો સાથે લોકો પાસે નાણાં પડાવતી હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સ્થાનિકોએ 7-8 યુવતીઓને ઝડપી પાડી વાઘોડિયા પોલીસને હવાલે કર્યો છે. વાઘોડિયાના સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ પાસે આશરે 20-30 વર્ષની યુવતીઓ હ્યુમન રાઇટ્સના ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે સુમનદીપ પારુલ તેમજ જીઆઈડીસી જેવા વિસ્તારોમાં લોકો પાસે બળજબરી નાણાં પડાવતી ટોળકી પર સ્થાનિકોને શંકા જતા હ્યુમન રાઇટ્સને ફોનથી માહિતી આપી હતી. યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ રાહદારીઓ અને ઠગી આ યુવતીઓ નાણાં ઉઘરાવે છે તેવી માહિતી વડોદરા હ્યુમન રાઇટ્સ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જુલી શર્માને મળતા તેઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. હ્યુમન રાઇટ્સના ખોટા ડોક્યુમેન્ટ સાથે ઉઘરાણી કરતી 10 યુવતીઓને લોકોએ ઝડપી પાડી 25,000ની રોકડ રકમ સાથે વાઘોડિયા પોલીસને હવાલે કરી હતી. પોલીસે યુવતીઓ પાસેથી ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ કબજે કર્યા હતા. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછતાછમાં તમામ યુવતીઓ મૂળ રાજસ્થાનના મારવાડ વિસ્તારની હોય અને અમદાવાદના વટવામાં દુર્ગાનગરમાં વસવાટ કરતી હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. GIDC तरफ में है तो हमको जाना पड़ता है मंजू सर और वाघोड़िया के तरफ में हमारा जाना रहता है. तो बहुत बार ये लड़कियों को मैंने देखा मेन रोड पे खड़े खड़े एक स्लिप लेके खड़े रहते हैं. इस तरह का रिसिप्ट लेके खड़े रहते हैं जिसका अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई NGO नहीं, ना कुछ भी नहीं है. और वो लोग मेन रोड के तरफ खड़े रहकर जो आते जाते पुरुषों को पैसे मांगते हैं. और हर एक इंसान के पास जो भी जाते हैं ज़बरदस्ती 100 के ऊपर मांगते हैं कि इतने पैसे आपको देना पड़ेगा और कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने का पैसा नहीं है. तो हम ह्यूमन राइट्स वाले थे, एक बार रुककर हमने उनको बात किया कि क्या प्रॉब्लम क्या है. तो बताया कि मैडम जी हमें नौकरी नहीं है, हम राजस्थान की तरफ से आते हैं. हम लोग तकरीबन 150 से 200 लड़कियाँ हैं जो बेघर बेरोजगार हैं. तो हमने बताया कि आपको ऐसा चाहिए तो हम नौकरी दिलवा देते, GIDC में करवा देते, जहाँ तुमको जिस तरह का नौकरी चाहिए हम दिलवा देते अकॉर्डिंग टू तुम्हारे एजुकेशन से. तो बोले नहीं मैडम जी ये टाइम माफ़ कर दीजिए, हम चले जाते. तो हमने ठीक है कि 2-3 बार माफ़ किया. हर 2 महीने के बाद कभी भी आप जाओ तो आपको ये सुमंती कॉलेज के पास दिखेंगे लड़कियाँ वापस, या तो फिर आपको मंजू सर में दिखेंगे या तो हाईवे पर दिखते लड़कियाँ. तो इस बार हमने सोचा है कि 6-7 बार हो चुका है, ये टाइम तो उनको ये लास्ट एंड करना पड़ेगा. तो फिर मैं और मेरे बेटे हमने रुका के बात कर, जैसे देखा वो लोग भागने लगे तो ये टाइम हमने सोचा कि ये टाइम इसको अंत करना चाहिए. तो हमने पुलिस को रिपोर्टिंग किया और उसके बाद नीलम श्रीवास्तव जी को बुलाया. फिर उसके बाद इनको लास्ट पुलिस PI वाघोड़िया से आए और उनको गाड़ी में लेकर अभी पुलिस स्टेशन में उनको बैठा दिया. मैडम जी उनके पास से कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं? 1 घंटे के अंदर तकरीबन उनके पास से 25,000 के तकरीबन उनके पास कलेक्शन हो चुका है. एक्चुअली इनके पास कोई आईडी प्रूफ है? आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं उनके पास, ये खाली एक कागज के टुकड़े के समय उनके पास कुछ भी नहीं है. जी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये तपास करना चाहिए कि वो लोग सच में कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनके पास ना आईडी प्रूफ है ना कुछ भी नहीं है. और किधर से आए, कौन कराता है, कौन है मेन मुख्य, और इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि ये है कौन. आज हो करियो यहाँ वडोदरा शहर में ना आजूबाजू GIDC ना एरिया में पैसा कलेक्ट करे छे ने मोस्टली ये यूनिवर्सिटी ने बाहर होय छे, पारुल इंस्टिट्यूट छे, सुमनदीप छे, अने त्यां आवीने ए लोको मळीने पैसा भेगा करे छे. अने अमे एमने 2-3 वार 3-4 वार वॉर्निंग आपी चुक्या हता, પણ આજે પછી એ લોકો પાસેથી કલેક્ટ, કારણ કે એ લોકો અમે રંગે હાથ પકડ્યા છે એમને, અને નહીં નહીં તો એમના કાગળ ને એની સાથે 25,000 કલેક્શન પકડાવ્યું છે. આપ શું ઈચ્છો છો? આ લોકોને આપણું વડોદરા સ્વચ્છ વડોદરા છે ને આવો કચરો, આ બી કચરો છે જે સાફ કરવો જરૂરી છે. તો આજે નહીં તો કાલે તમારે એક્શન લેવું જરૂરી છે. તો અમે વાઘોડિયાના PI ને બોલાવ્યા, નીલમ શ્રીવાસ્તવ આવ્યા અને એમની સાથે મળીને અમે લોકોએ અમને આજે જગ બાર કલમ લગાવીને જેલમાં તો પુરાવી જ દીધા છે. હવે આગળ જોઈએ શું થાય. બજરંગ શર્મા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ વાઘોડિયા.